वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साउथ इंडियन रेसिपी इडली सांभर बनाने वाले हैं। सो चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमें चाहिए बैंगन 1 कप, हमने इसे बारीक कट कर लिया है। हमने तुरई ली है 1 कप, हमने इसे भी बारीक कट कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्च ली है, इसके लिए 1.5 कप, इसे भी बारीक कट कर लिया है। प्याज लिए 1 कप, इसे बारीक चॉप कर लिया है। टोमेटो लिए 1 कप, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल लिया है हमने 1/2 कप, ये हमने इमली का पानी लिया है। सांभर मसाला लिया है रेडीमेड। वन टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। हमें तुअर दाल ली है, इसे 1 घंटे हमने भिगा कर रखा था। इसे भिगाए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसका पानी फेंक देंगे और उसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें अब हम पानी डालेंगे। और इसकी लिड बंद करके हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। हाई फ्लेम पे अब हमें एक कढ़ाई लेनी है। ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम उसमें राई और ज़ीरा ऐड करेंगे और उसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे। देखिए हमारा राई और ज़ीरा क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। लौकी ऐड करेंगे। बैंगन ऐड करेंगे, तुरई ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, टोमेटो ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि सब्ज़ियाँ जल्दी से कुक हो जाए। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारी सब्ज़ी कुक हो चुकी है। नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें अब हम सांभर मसाला ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून, और इसे अच्छा भून लेंगे।
हमने इमली भिगा के रखा था उसका पानी हम अब हम इसे ऐड कर देंगे। और उसे मिक्स करेंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारी दाल भी कुक हो चुकी है। हमने इसे 2 सीटी लगाकर धीमी आंच पर रख दिया था करीब 10 से 15 मिनट। अब हम दाल में पानी ऐड करेंगे और उसे मिलाएंगे। दाल को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। आप दाल की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इडली बनाएंगे। उसके लिए हमने 1/2 kg रवा लिया है। हमने 1/2 लीटर दही लिया है। अब हम उसे रवा में ऐड कर देंगे और उसे मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे उसमें और उसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, स्मूथ बैटर। उसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। हम पानी इकट्ठे ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। हमने एक इडली का सांचा लिया है। हम इडली माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें हम ऑयल ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बोल में।
इसके लिड बंद कर देंगे। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे हाई पावर पर 5 मिनट्स के लिए। फाइव मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम सांभर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारी इडली भी रेडी है। इसके साथ हमने सर्व किए तुरई और नारियल की चटनी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन इडली सांभर रेडी है। होप आप लोग को रेसिपी पसंद आई। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching our video.